मोटोरोला ने अपनी एज 30 सीरीज में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें मोटोरोला एज 30 न्यू, मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा और मोटोरोला एज 30 फ्यूजन स्मार्टफोन शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटोरोला एज 30 फ्यूजन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको काफ़ी पावरफुल फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो पर आया है, जिसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। यह स्क्रीन पोलेड पैनल पर बनी है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट पर काम करती है। फोन की स्क्रीन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। इसमें 1100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इसकी डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन एंड्रॉयड 12 पर लॉन्च हुआ है, जो कि 2 साल की OS अपग्रेड के साथ आता है। प्रोसेसिंग के लिए इस स्मार्टफोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888+ चिपसेट दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में यह स्मार्टफोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज पर लॉन्च हुआ है। इसके कैमरे की बात करें तो यह स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, जहां पर रियर में इसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। दूसरा सेंसर इसमें आपको जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है और तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन डुअल सिम फोन है, जो कि 5G सपोर्ट करता है। यह फोन IP52 सर्टिफाइड है, जो इसे वाटर और डस्ट प्रूफ बनाता है। पावर बैकअप के लिए इस मोबाइल में आपको 4400 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मोटो एज 30 फ्यूजन को लेकर ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।